हम सब इंसान रात में इतना अच्छा नहीं देख पाते हैं जितना अच्छा रात में उल्लू देख लेते हैं। लेकिन ऐसा कैसे होता है? आंखें तो हमारे पास भी होती हैं, आंखें तो उल्लुओं के पास भी होती हैं। तो उनकी आंखों में ऐसा क्या होता है जो हमारी आंखों में नहीं होता? वो रात को अच्छा देख लेते हैं और हम रात को उतना अच्छा नहीं देख पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि उल्लुओं की आंखों में और हमारी आंखों में ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि उनको रात में दिखता है और हम इंसानों को रात में उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और एंड तक देखते देखते आपको 100% पता चल जाएगा कि उल्लुओं की आंखों में और हमारी आंखों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कोई भी चीज़ दिखती कैसे है। इसी से हमें पता चलेगा कि उल्लुओं और हमारी आंखों में डिफरेंस क्या होता है। तो हमें कोई भी चीज़ देखने के लिए सबसे ज़रूरी दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, आपके पास आंखें होनी चाहिए। अगर आंखें नहीं होंगी तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। खराब जोक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइट। हमें कोई भी चीज़ देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कोई भी चीज़ दिखती ही इसीलिए है क्योंकि वो चीज़ उसके ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए, आपके सामने एक ट्री है, पीछे से सनलाइट आ रही है, तो जो सनलाइट आएगी वो सबसे पहले ट्री पर आएगी, ट्री उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद वो जो लाइट रेस आएंगी वो आपकी आंखों के अंदर जाएंगी। अब यहाँ पे लाइट रेस आपकी आंखों के अंदर जा चुकी है। अब हम आंखों के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आंखों के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, तो सबसे पहले जहाँ पे उस पेड़ की लाइट आ रही है, इस पार्ट को हम प्यूपिल बोलते हैं। आपकी आंखों में जो काला काला पार्ट होता है छोटा सा, उसी को हम प्यूपिल बोलते हैं। जितनी भी लाइट हमारे आंखों के अंदर जाती है वो सारी लाइट इसी जगह से जाती है। उसके बाद ये सारी लाइट हमारी आंखों के सबसे पीछे रेटिना पे जाती है और वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। वहाँ पे जो इमेज बनती है वो इमेज सीधी नहीं बनती, वो इमेज उल्टी बनती है। उसके बाद वो इमेज हमारे दिमाग में प्रोसेस होती है, उसके बाद वो पेड़ की इमेज आपको सीधी दिखती है। तो ये हो गया हमारी आंखों का स्ट्रक्चर कि हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखती है। यही सेम प्रोसेस उल्लुओं की आंखों में भी होती है। उनको भी कोई भी चीज़ देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है, पर उनकी आंखों में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो रात में देख लेते हैं। तो अब उनके बारे में बात करते हैं। तो उल्लू हमसे अच्छा रात में देख लेते हैं, उसके तीन कारण होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन की। तो नंबर वन पे आता है उल्लुओं की आंखों की प्यूपिल बड़ी होती है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक उल्लू की फ़ोटो है। अगर आप इसकी आंखों में ध्यान से देखेंगे तो इसकी आंखों में ये जो काला वाला पार्ट है ये इसकी पूरी आंख में सबसे बड़ा है। अगर आप लेफ्ट साइड में हमारी आंखों को देखेंगे तो हमारी आंखों में ये जो काला वाला पार्ट है ये छोटा होता है, लेकिन राइट साइड में अगर आप उल्लू की आंखों का देखेंगे तो उनकी आंखों में जो काला वाला पार्ट है ये बहुत बड़ा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी आंखों में जितनी भी लाइट जाती है वो इस काले वाले पार्ट प्यूपिल से जाती है, तो उल्लुओं की आंखों में बहुत सारी लाइट चली जाती है जिसकी वजह से उनको रात में भी चीज़ें साफ दिखती हैं। नंबर टू पे आता है कि उल्लुओं की आंखों में रॉड्स ज़्यादा होते हैं। हमारी आंखों में दो सेल्स पाई जाती हैं, रॉड्स और कॉन्स। मैं आपको ये दोनों अच्छे से बताता हूँ। हमें जो कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ दिखती है वो रॉड्स के कारण दिखती है, और हमें जो कोई कलरफुल चीज़ दिखती है वो कॉन्स के द्वारा दिखती है। तो उल्लुओं की आंखों में रॉड्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसीलिए उनको रात को बहुत अच्छा दिखता है, पर उनको कलरफुल चीज़ें नहीं दिखती हैं, उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखती हैं, पर इंसानों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती हैं क्योंकि हमारी आँखों में ये जो रॉड्स और कॉन्स होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं, ना ही ज़्यादा होते हैं ना ही कम होते हैं। तो रॉड सेल्स के कारण उल्लू रात में इंसानों से ज़्यादा अच्छा देखते हैं। नंबर तीन पे आता है इनकी आई का स्ट्रक्चर। तो इनकी आई का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमको इनकी आईज के अंदर जाना पड़ेगा। तो अब जो आप अपनी स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं ये एक उल्लू की आँख के अंदर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्यूपिल हमारी आँख से ज़्यादा बड़ा है। लेफ्ट साइड में आप हमारी आँखों को देख सकते हैं और राइट साइड में आप उल्लू की आँखों को देख सकते हैं। तो अगर आप हमारी आँखों से उल्लू की आँखों को कंपेयर करेंगे तो उल्लुओं की आंखों का सबसे पहली बात प्यूपिल बड़ा है और हमारी आंखों का छोटा है, उससे उनकी आंखों में ज़्यादा लाइट जाएगी। ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बता दिया है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उल्लुओं की आंखों में इनका रेटिना ज़्यादा बड़ा है और अगर आप हमारी आंखों को देखेंगे तो हमारी आंखों में रेटिना छोटा है। तो ज़्यादा बड़ा रेटिना होने के कारण पिक्चर बड़ी बनती है और इनकी आंखों में लाइट भी ज़्यादा जाती है, तो इसके कारण वो रात में कम से कम लाइट में भी चीज़ों को हमारी आंखों से ज़्यादा अच्छा देख लेते हैं। तो यही तीन डिफरेंस होते हैं हमारी और उल्लुओं की आंखों में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए कि वो रात में देख क्यों नहीं सकते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल की दूसरी वीडियोस को देख के कुछ नया जान और सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।